ऑडियो। आज आप लोगों के साथ में कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं, बल्कि जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, हम सबको ही मालूम है कि हम लोगों का बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, विटामिन सी प्रोटीन इंटेक करना है, उसके साथ साथ घर में काढ़ा बना के पीना है। और ये जो काढ़ा है वो सिर्फ आज ही नहीं, बहुत पहले से ये चलते आ रहा है। मैं भी स्पेशली विंटर सीजन में ये घर में बना के रखता हूँ। जब कोई घर में बीमार पड़ता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब प्रॉब्लम होता है, मैं खुद भी पीता हूँ और बाकी जो बुजुर्ग है बच्चे सबको मैं घर में देता हूँ। बहुत रिलेटिव के साथ भी मैं ये शेयर किया था, उन लोगों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला एक दो दिन में ही। तो जिसके गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है, गले में प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। अगर ये मार्केट में अगर आप लोग ये खरीदने जाओगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, ये घर में अगर बनाओगे तो बहुत सस्ता में भी हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका मिलेगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं ये काढ़ा जो है वो कैसे हम लोग घर में बनाएंगे। तो ये काढ़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे लिया है मुलेठी या लिकोराइस, जिसे बांग्ला में यष्टि मधु भी कहते हैं। ये है दालचीनी या सिनामोन, ड्राई टर्मेरिक सूखा हल्दी है ये। ये है शूट, जिसे एक्चुअली ये ड्राई जिंजर है, सूखा हुआ अदरक है ये। और ये है पीपली, इंडियन लॉन्ग पेपर से भी ये जाना जाता है और बांग्ला में इसे पीपुल कहते हैं। और इसके साथ मैं लिया कुछ इलायची, लौंग, ये है ब्लैक पेपर पाउडर फॉर्म में है ये, काली मिर्च पाउडर फॉर्म में है ये। और ये काली मिर्च जैसा ही दिख रहा है कुछ, ये है केबाब चीनी या शीतल चीनी नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो दिख रहे हो ये बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट्स है ये काढ़ा बनाने के लिए। तो ये पाउडर को छोड़ के बाकी जो इन्ग्रीडियंट्स है, ये पूरा इन्ग्रीडियंट्स को हम लोग पहले गर्म पानी में अच्छा से धो लेंगे, ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स है। फिर धोने के बाद इसको अच्छा से हवा में या धूप में, कड़ी धूप में एक दो घंटे के करीब सुखाना है, इसको ड्राई करना है। ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स है मैं अच्छा से धो लिया, इसको धो के छान लिया। अब इसको कड़ी धूप में छोड़ दूंगा पूरा ड्राई होने तक। फिर जब ड्राई हो जाएगा ये, उसके बाद मैं थोड़ा इसको अच्छा से सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से एक बार पीस लूंगा, इसे सारा इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से मैं पीस लूंगा। जब ये ड्राई हो जाएगा बहुत आसानी से ये पीस जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में देके इसका पाउडर बनाना है। दालचीनी और ये जो शूट है, ड्राई जिंजर है, ये मैं 10 ग्राम करके लिया था। मुलेठी, केबाब चीनी, पीपुल और पीपली जो है वो मैं 20 ग्राम करके लिया था। और 6 to 7 पीस में ये जो इलायची है और कुछ 2-3 ग्राम के करीब लौंग मैं यहाँ पे यूज किया था। तो सब मिला के 60 to 70 ग्राम का एक पाउडर आप लोगों को बन जाएगा और इसका प्राइस आ जाएगा 120 से 130 के अंदर। और ये जो ड्राई टर्मरिक है इसको या सूखा हल्दी, इसको थोड़ा मिक्सर में देके ड्राई करना, इसका पाउडर बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बदले आप लोग कोई अच्छा कंपनी का टर्मेरिक पाउडर या हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हो। मैं पहले से ही बना के रखा था इसका पाउडर, एक अभी खत्म हो गया है करीब। ऐसे दिखता है ये पाउडर बनने के बाद, कुछ ऐसे दिखता है ये जो काढ़ा का जो पाउडर ऐसे दिखता है। मैं यहाँ पे एक कप, आधा कप से एक कप ही है यहाँ पे पानी लिया और उसमें मैं दूंगा, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है एक कप पानी के लिए। इसमें मैं डाल दूंगा एक कप पानी में और इसके साथ मैं थोड़ा सा हल्दी भी इसमें डाल दूंगा, इतना हल्दी काफी है, 2-3 पिंचेस टर्मेरिक एंड 2-3 पिंचेस ऑफ दिस पाउडर इज एनफ फॉर 1 कप ऑफ दिस लिक्विड और दिस पोशन। तो ये अच्छा से उबाल लेना है। इसका कलर आप लोग देख रहे हो, कुछ ऐसे दिख रहा है इसका कलर। अगर आप लोग काले चाय पीते हो तो उसके साथ भी थोड़ा ये पाउडर मिक्स कर सकते हो और थोड़ा टर्मरिक भी मिक्स कर सकते हो। तो ये उबल गया मेरा पानी, अब ये पीने के लिए रेडी हो गया। कप में मैं इसको डाल दिया। तो ये बन गया मेरा काढ़ा। अगर आप चाहो तो इसमें 3-4 तुलसी पत्ता भी डाल सकते हो और इसको गरम गरम दिन में 2-3 बार पीना ही अच्छा रहेगा। जो सिंगर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ये। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।